प्रकृति का अनमोल उपहार शिलाजीत विकट एवं जोखिमपूर्ण चट्टानों में पाया जाता है। आयुर्वेद ग्रंथों के अनुसार औषधीय गुणों से भरपूर होने के कारण इसकी मांग अधिक रहती है। आयुर्वेद के अनुसार इसे किसी भी औषधि के साथ लेने पर उसके प्रभाव को बढ़ाने वाला माना जाता है। जोखिमपूर्ण और विकट चट्टानों में होने के कारण इसे निकालना काफ़ी मुश्किल रहता है। देखिए, शिलाजीत का वर्णन आयुर्वेद में परम रसायन के अंतर्गत किया गया है। सर्वश्रेष्ठ रसायन के, क्योंकि ये योगवाई है, योगवाई का यहाँ पे अर्थ होता है कि योगवाई एक कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है। किसी भी ड्रग्स के साथ अगर हम इसको एडप्ट करते हैं तो उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा देता है ये। इसका जो जनरली अभी तक जैसे कुमाऊँ के जो क्षेत्र हैं या जो हिमालय है, हिमालय का जो पर्वतीय क्षेत्र है, कश्मीर वाला जो एरिया है, वहाँ पे अभी ये अवेलेबल है, फ्रिक्वेंटली वहाँ पे मिल रही है हमें ये। और जहाँ तक इसके वर्णन का आयुर्वेदा के टेक्स्ट में लगभग अलग अलग ग्रंथों में कई तरह के वर्णन कई प्रकार इसमें मिलते हैं, पर जनरली हमें जो टेक्स्ट के रेफरेंस के अनुसार मैं बता रहा हूँ कि ये चार प्रकार की हम इसको मानते हैं। जैसे स्वर्णमाक्ष, जिसको हम कह सकते हैं कि स्वर्ण गर्भ, इसका जो एक तरह से जो क्लासिफिकेशन होता है वो उसके जहाँ से मिलती है कि किस गर्भ से ये उत्पन्न हुई है उसके हिसाब से करते हैं। जैसे स्वर्ण गर्भ शिलाजीत हो गया, रजत गर्भ शिलाजीत हो गया, या जैसे ताम्र गर्भ शिलाजीत हो गया, एक लौह गर्भ शिलाजीत हो गया। एक चीज़ मैं आपको यहाँ और भी बता दूँ कि जो लौह गर्भ शिलाजीत है तो वो सर्वश्रेष्ठ मानी हुई है, उसको उसका जो हम लोग रसायन के तरह यूज़ करते हैं। और जनरली अगर हम ऐसे जनरली बात करें तो दो तरह की, जैसे एक मूत्रगंधी शिलाजीत हुआ और एक हुआ कर्पूरगंधी शिलाजीत। जो मूत्रगंधी शिलाजीत है उसका मेडिकल यूज़ हम लोग जनरली करते हैं। तो आजकल जितने अभी एक और लेटेस्ट अपडेट्स आपको दूँ, शिलाजीत का वर्णन एक ऐसी ड्रग है, इसको हम लोग अभी हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म में भी इसका प्रयोग कर रहे हैं। जहाँ तक टेस्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, जैसे प्रमेह के मूत्र विकार हो गए, शुक्रजन्य जितनी व्याधियाँ हैं, या जहाँ भी आपको रसायन की ज़रूरत करती है, जैसे धातुगत जो व्याधियाँ होती हैं वहाँ पे हम इसका प्रयोग करते हैं जनरली। और जहाँ तक शोधन की बात है, जनरली हम लोग त्रिपुरा के क्वाथ में इसका संशोधन करते हैं। अब बहुत सारे जो फिलोसफर्स हैं उनकी ये भी जो धारणा है कि इसका, कहते हैं जो जब हम दो तरह से हम किसको सेपरेट करते हैं, जैसे एक सूर्यतापी हो गया, एक अग्नितापी हो गया, तो बहुत कुछ फिलोसफर्स का मानना है कि जो इसमें बहुत सारे वोलेटाइल ऑयल्स रहते हैं, तो हमें जो इसको कहते हैं जैसे हीट अप नहीं करना चाहिए, जो वोलेटाइल ऑयल्स है वो वेपोरेट हो जाते हैं, तो इसलिए जो सूर्यतापी है वो सर्वश्रेष्ठ माना है इसको। बुजुर्गों से लेकर शिलाजीत निकाल रहे हैं तो ये कई प्रकार के रोगों को दूर करती है, जैसे अंदरूनी चोट, छाती दर्द, जोर दर्द, गिर गया हो, बज गया हो, खून को साफ करती है। और ये चार प्रकार की शिलाजीत पाई जाती है हमारे हिमाचल के अंदर, जो स्वर्ण, रजत, ताम्र, लोह। हमारे हिमाचल में दो प्रकार की शिलाजीत मिलती है, जो लोह तत्व और ताम्र की ही मिलती है। तो यहाँ से निकालने के बाद इसको फिर प्योरीफाई करते हैं, प्योरीफाई करने के बाद फिर हम इसको लोगों को, जो मेरी जुटने को देते हैं। दो तरीके से होते हैं, एक सूर्यतापी बनती है, एक अग्नितापी बनती है। सूर्यतापी का असर पूरा होता है और अग्नितापी का असर कुछ कम हो जाता है, क्योंकि थोड़ी जल जाती है जी। आकाश मगर नेपाल से हूँ मैं। शिलाजीत निकालने बहुत दिक्कत होता ना, फिर इसमें अभी रिक्शा का काम है, अभी जा रहा हूँ मैं रस्सी बांध के नीचे ढाकपर, यहाँ नीचे जाऊँगा, फिर उसमें कई बार मर गया तो रिक्शा होता ना, वहाँ मर जाती है बंदी, गिर भी सकते, इतना कोई गारंटी नहीं होता इसमें। शिलाजीत का दवाई होता ये ढाक में होता, बहुत ऊपर ऊंचाई में होता, निकालने में थोड़ा दिक्कत होता इसमें। हमने सिटी चैनल के लिए रामपुर बुशहर से विशेश्वर नेगी की रिपोर्ट।